मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रदेश की महिलाओं को स्मार्टफोन देने की इंदिरा गांधी स्मार्ट मोबाइल फोन देने की योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत जयपुर निवास से ही वर्चुअल रूप से आमजन तथा लाभार्थियों से जुड़े लाभार्थी समारोह को लेकर ब्यावर शहर में टाटगढ़ रोड स्थित अम्बेडकर भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आयोजन के लिए एक बड़ी CLED लगाई गई, जिसके माध्यम से आमजन तथा लाभार्थी सीएम गहलोत से मुखातिब हुए। समारोह में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, SDM मृदुल सिंह, कांग्रेस नेता मनोज चौहान, पारस पंच दिनेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक रांका, सोहन मेवाड़ा, कल्पना भटनागर, पप्पू काठात करबला, राजेंद्र तुनगरिया, भगवान सिंह कड़ीवाल सहित 500 से अधिक महिलाएं शामिल थी। समारोह के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने योजना का शुभारंभ करते हुए महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन योजना का शुभारंभ करते हुए छात्राओं को स्मार्ट मोबाइल फोन भेंट किए। समारोह के दौरान सीएम गहलोत ने एक और बड़ी राहत की घोषणा करते हुए बिजली उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा की, तो अम्बेडकर भवन में उपस्थित शहरवासियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने स्मार्ट मोबाइल फोन लाभार्थी ITI की छात्रा पूजा रावत से बातचीत की। इस दौरान सीएम गहलोत ने पूजा से स्मार्टफोन मिलने पर उसे बधाई दी, तो पूजा ने भी उनका स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। बातचीत के दौरान पूजा ने बताया कि स्मार्ट मोबाइल फोन मिलने से उसको अध्ययन में और अधिक सहायता मिलेगी। पूजा ने ब्यावर को जिला बनाने तथा राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई विभिन्न राहत योजनाओं के लिए भी सीएम गहलोत का आभार जताया। समारोह के दौरान जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने उपस्थित 4 लाभार्थियों से बातचीत करते हुए उनके विचार जाने। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में लगभग 1 करोड़ के करीब परिवारों को जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के तहत मोबाइल देने का शुभारंभ किया, उसके लिए हम पूरे ब्यावर विधानसभा की ओर से, ब्यावर जिले की तरफ से और राजस्थान प्रदेश की जितनी भी हमारी बहनें और माताएं उनकी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनकी सुनी जिनकी कोई नहीं सुनता है। इससे आने वाले समय में जो गरीब तबके की बच्चियां थी जिनको ऑनलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन जानकारी में तकलीफ होती थी, उनको इसे बहुत सुविधाएं मिलेगी और वो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करेंगी, आगे बढ़ेंगी, उनके सपने पूरे होंगे। जो लोग घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से नहीं जुड़ पाते थे स्मार्टफोन की वजह से, उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। इन सब के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, जननायक है और जननायक इनको यूं ही नहीं कहते हैं लोग, ये लोगों का दर्द समझते हैं और जो लोग बोलते हैं उससे पहले उनका समाधान करते हैं। मैं पूरे राजस्थान प्रदेश की ओर से और हमारे ब्यावर जिले परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सब पे जो फ्यूल सरचार्ज समाप्त किया है, ये बहुत बड़ी राहत है और ये सिर्फ जननायक श्री अशोक जी गहलोत ही कर सकते हैं।